मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए एक साल से कम का समय बचा है। दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने अलग अलग जातियों के वोटरों को साधने की कवायद शुरू कर दी है। कांग्रेस ने आज अनुसूचित जनजाति विभाग का सम्मेलन बुलाया है, जिसे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन में अनुसूचित जनजाति विभाग के कार्यकर्ता भाग लेंगे। चुनावी समय में इस कार्यक्रम को अनुसूचित जनजाति वर्ग के वोटों को साधने का सम्मेलन बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का वोट बैंक अच्छा खासा है और विधानसभा चुनाव में इसका असर देखने को मिल सकता है। मध्य प्रदेश में 2023 का विधानसभा चुनाव है और चुनाव का करीब एक साल से कम का समय बचा है। मगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी वोट बैंक को साधने की जो कवायद है वो शुरू कर दी है। बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी अनुसूचित जनजाति विभाग का जो सम्मेलन है वो करने जा रही है। आज 11:30 बजे कांग्रेस कार्यालय के बाहर ये आयोजन है वो रखा गया है, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ मौजूद रहेंगे। साथ ही बात की जाए कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित जनजाति विभाग के जो तमाम जो कार्यकर्ता है इस कार्यक्रम में शिरकत करते नजर आएंगे। आप साफ तौर पे तस्वीर देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो सम्मेलन की जो तैयारी है वो कहीं ना कहीं शुरू हो गई है। क्योंकि बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। अब विधानसभा चुनाव की तैयारी में दोनों ही पार्टी जुट चुकी है। चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल के बीच में ये सम्मेलन कुछ ना कुछ राजनीतिक बात जरूर करते दिखाई देता है, क्योंकि दोनों ही पार्टी अब वोट बैंक की को साधने की कोशिश जो है वो शुरू कर दी है। मगर अनुसूचित जनजाति विभाग की बात की जाए तो कहीं ना कहीं अनुसूचित जनजाति विभाग के जो कार्यकर्ता है वो सभी सम्मेलन में मौजूद रहेंगे और अनुसूचित जनजाति के वोटरों को किस प्रकार से साधा जाए तमाम विषयों पर चर्चा करते नजर आएंगे कमलनाथ। कैमरामैन मनीष के साथ विवेक राणा, अनाडी टीवी भोपाल।